नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और आज मैं ना आपको कुछ व्यापारी का मतलब अनार का जो खेती है ना, अपने अनार का आपने देखा था काफ़ी सारे वीडियो मेरे, तो उसमें ही दिखा रहे हैं हम कि कुछ नए आदमी हैं जो पहले और किसी चीज़ का बिजनेस करते थे, अब अनार का बिजनेस करना चाहते हैं। और सुभाष जी हैं यहाँ, राजदीप जी का फार्म है ये, यहाँ पर हम सभी बैठे हैं तो इनसे बात करते हैं। सरपंच साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, तो चलिए अपन बात करते हैं सबसे और इनका परिचय लेते हैं। सुभाष जी को तो आप जानते हो। नमस्कार सुभाष जी। नमस्कार, कैसे हो? और अब एक एक सेन से पूछ लेते हैं। नमस्कार भाई साहब, एक बार ये माइक ले लीजिए, आप अपना परिचय दीजिए साहब। मेरा नाम दिलीप भाई पूरा भाई परमार है जी। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और मेरा बिजनेस है ये आम का और प्याज का। आम का और प्याज का बिजनेस। अच्छा साहब, आप अनार का बिजनेस करने की सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहे, आए हैं देखने के लिए और विजिट पे आए हैं। अच्छा, तो सर आपको मतलब कैसे प्रेरणा मिलेगी भाई अपन ये काम करते हैं? ना, कहाँ से थोड़ा दिमाग में आया आपको? बस वो हमारा भाई बंद है ना, उसने बताया था। अच्छा, कोई करते हैं पहले? हाँ। अच्छा जी, तो आप अकेले कर रहे हैं सब? ना ना, हम चार आदमी मिलकर कर रहे हैं। आपके चार मित्र हो रहे हैं, तो कौन कौन है सर इसमें? अमित भाई है। अच्छा, नमस्कार भाई। विजय भाई है। ये लीजिए अमित जी। थैंक यू। नमस्कार भाई साहब। हाँ, थोड़ा व्यू आपका अच्छा। तो अमित जी आप भी? हाँ, मेरा नाम व्यापार करने। हाँ, मेरा नाम भी अमित टांक है, मैं राजकोट डिस्ट्रिक्ट का उपलेटा तालुका से आया हूँ जी साहब। मेरा दोस्त एक्सपोर्ट या मर्चेंट एक्सपोर्ट है, इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ लोग कच्छ में आए हैं अनार लेने के लिए और खेती समझने के लिए, क्या फल आता है, कैसी तरह से बिकता है और क्या इसका प्रोसीजर रहता है, वो सब जानने के लिए फर्स्ट टाइम हम विजिट पे आया है। अच्छा जी। और हम तीन चार अलग फ्रेंड्स है, इसको कई डिस्कस किया कि नया फार्म चालू करते हैं, नया बिजनेस चालू करते हैं, तो इस हिसाब से हम यहाँ विजिट पे आया है और पता चले कि कैसे ट्रेडिंग होता है, कैसे इसकी ग्रेडिंग दिखती है, पर डेट की क्या रेटिंग रहती है, कैसे एक्सपोर्टर करते हैं। इस विजी से यहाँ फ्रेंड के फार्म उसके और हमारे बड़े भैया के साथ हमें आए हैं। अच्छा सर जी, एक बात बताइए, इससे पहले मतलब आप क्या बिजनेस करते थे? इससे पहले मैं मैंगो का व्यापार कर रहा हूँ जी जी, और दूसरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कमोडिटी है गुजरात में जो कच्छ, कच्छ में मतलब केसराम जो बोलते हैं, केसराम बोलते हैं जी जी। और हमारे यहाँ जूनागढ़ जिला का जो ताला का स्पेशल मैंगो बोलते हैं जी जी जी, स्पेशल मैंगो। क्या एक बार दोबारा बताएंगे सब? जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो स्पेशल मैंगो होता है ना, उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं हम। अच्छा, विदेश में बेचते हैं आप? हाँ जी जी जी। ठीक है, तो जी धन्यवाद आपका, टाइम निकाला आपने हमारे लिए, थैंक यू वेरी मच। आपके थर्ड पार्टनर से और मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? बस बढ़िया है सर। तो सर पहले आप थोड़ा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। सोलंकी विजय सिंह जी सर, मैं भी उपलेटा से रहने वाला हूँ जी सर। तो आप कच्छ में सर विजिट करने आए हैं? हाँ जी सर। अनार का बाग देखा? हाँ जी, अनार का देखने का है। तो सर आपने बाग देखा अभी थोड़ा घूम के? मैं देख रहा था आप घूम रहे थे, तो सर क्या क्या फील किया सर, कुछ बताएं थोड़ा बहुत? नहीं, बढ़िया है सर, बिजनेस के बारे में सोच रहे थे जी। नहीं, आप चार पांच जगह पे मैंने विजिट किया हुआ है। अच्छा, सभी जगह पे देख रहे हैं अभी। तो अनार में सर क्या लगा आपको, मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए, करना चाहिए, बेहतर है, अच्छा बन रहा है। हाँ जी सर। तो बाग को देख के क्या लगा सर, कैसा मतलब कुछ क्या मतलब देखा आपने जो स्टार्टिंग में, जैसे अभी कोई व्यापार करे? अभी बहुत डीप उतरना पड़ेगा इसमें, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी सर, डीप में जाना पड़ेगा सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। अब जिनकी बाड़ी है सरपंच साहब से बात कराता हूँ आपकी। जयदेव सिंह मोटी काकर का मैं डेप्यूटी सरपंच हूँ जी सर। और हमारा फार्म हाउस है और हमारे जो भांजी के साथ भी आए हैं ये, और अनार का इतना था, ये साल अनार थोड़ा कहे कम है, वो देखने के लिए आए। और मनु भाई है हमारे साथ, सुभाष जी, उनका फार्म देख के आए, और बबलू जी और जय दुक्तिदान जी, वो हमारे समग्र के हैं जो सरपंच है, उनके लड़के भी आए हैं, जयवीर सिंह, जयवीर सिंह, उनका भी फार्म हाउस है अनार का ही है। अच्छा जी। हाँ, वो अनार का उनके उनके तो दे दिया वो देने के लिए। अच्छा जी। अंकल जी ये बताइए कि अभी जो आपका अनार है वो बेच दिया आपने? नहीं, अभी तो ये साल थोड़ा फैल गया, नहीं अनार का जो आ गया ना, उसमें फूक आ गई है, वो बारिश देर बारिश ज्यादा आई, वो अनार के जो फूल थे वो जो फाल सब गिर गया और फूक भी आ गई थी। अभी एक माल कम आया है, दूसरा है सब, अभी ये देखने के लिए आए हैं भांजे। अच्छा, उस इनके सब मित्र और आए सब, ये साल तो थोड़ा फैल गए हैं। ओके, ठीक है, नमस्कार।